आज गुरु दिवस पर मैं अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि माँ ही तो मेरी पहली टीचर है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये पहला पाठ माँ तूने ही तो मुझे सिखाई है। तूने सिर्फ किताबों के पाठ नहीं सिखाए, तू तो मुझे जीवन के पाठ सिखाई है। कब कहाँ कैसे बोलना है, कहाँ पर सहन करना है और कहाँ पर चुप रहना है, चुप रहकर भी कैसे अपने बातों का इजहार करना है। जब परिवार में मुश्किल की घड़ी आए तब कैसे खुद को संभालना है और परिवार को संभालना है, ये सब कुछ तूने ही तो सिखाई है माँ। शिक्षा देती है और उस शिक्षा से जो सीख मिलती है वही हमारे जीवन की आधार बन जाती है और आगे जाकर जीवन की हर मोड़ पर मदद करती रहती है, जो कि तुझसे मुझे मिली है। याद आती है वो दिन माँ जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तब हम लोगों के बीच में बहुत झगड़ा होता था, तो फिर भाग कर जाती थी तुझे बताने के लिए। कुछ कहने से पहले तू मुझे चुप करा देती थी, ना खुद सुनती थी ना सुनने के लिए मुझे मौका देती थी। तब ऐसा लगता था शायद मैं तेरे लिए पूरी तरह से पराई हो गई। फिर बेटा पैदा हुआ, उस वक्त तू ही मेरे साथ खड़ी थी। फिर मैं नौकरी करने लगी, सारा दिन बेटा को तू ही संभालती थी माँ। पता ही नहीं चला कब बेटा बड़ा हो गया, कब कहाँ कैसे कौन सा वैक्सीन लिया वो मुझे पता ही नहीं चला माँ। फिर बेटा पढ़ने लगा, मैं नौकरी करती रही, नौकरी छोड़कर खुद के ऑफिस में ज्वाइन करने लगी। चाहे धूप चाहे बारिश, घंटों बस स्टॉपेज में तू वेट करती रहती थी कब बेटा आएगा और तू उसे घर लेकर जाएगी। सारा दिन उसे संभालती थी माँ, और जब मैं शाम को घर लौटती थी तब तू मुझे बोलती थी अब बेटा को लेकर तू अपने घर जा, क्योंकि घर के मंदिर में अगरबत्ती जलाएगी, दिया जलाएगी। तब मुझे बहुत गुस्सा आता था माँ, मैं सोचती रहती थी ऑफिस से थक कर मैं लौटी हूँ और माँ मुझे बोल रही है अपने घर चले जाओ। फिर मैं गुस्सा होकर घर चली जाती थी, लेकिन घर के मंदिर में जब मैं अगरबत्ती जलाती थी, दिया जलाती थी, तो मन को बहुत शांति मिलती थी। तब समझ में आता था मेरी माँ के कड़कपन में तो प्यार छुपा हुआ है। जब मेरे पैर टूटा था, जब मुझे सांप काटा था, जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तब तू ही तो मेरी सेवा करती थी माँ। जब जब मुश्किल की घड़ी आई तू ही खड़ी नजर आई है माँ, कैसे भूलो वो दिन। और एक बात बहुत याद आती है माँ, वो तो मैं भूल ही नहीं सकती। हम सब छोटे थे, किसी कारण घर में ऐसे समस्या आई कि सारे जमीन जायदाद घर यहाँ तक कि गहने बेचना पड़ा। तो पापा जोर जोर से रोने लगे, पापा को रोता हुआ देखकर हम सब भी रोने लगे। दीदी और मैं हाई स्कूल में थे, लेकिन माँ तू एक ही है, तेरी आंखों में एक ही आंसू नहीं था। कैसे माँ, वो शक्ति, वो हौसला, वो धैर्य, शायद इसलिए आज हम इतने स्ट्रांग बने हुए हैं। जीवन आगे बढ़ता गया और अपने अपने परिवार में खुश भी है, शायद तेरी शक्ति के कारण मैं भी इतना स्ट्रांग बन चुकी हूँ। आगे दशहरा आ रही है माँ, वो बचपन का दिन याद आ जाती है। दशहरा के दिन सब अपने अपने घर में अच्छा पकवान खाते थे, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते थे। उस दिन तो दीदी और मुझको बोलती थी जा बस्ती में से सारे लोगों को बुला कर ला। हम लोग जाते थे और बस्ती में से लोग बुला कर लाते थे, 50 के ऊपर लोग आ जाते थे माँ। तब तू 10 प्रकार व्यंजन बनाकर उन्हें परोसती थी, हम लोग खुशी खुशी उन लोगों को परोसते थे। कितना मजा आता था माँ, वो दिन तो मैं भूल ही नहीं सकती। तब तू बता देती ये जीवन सिर्फ खुद खाने के लिए खुद पहनने के लिए नहीं बना है, कुछ समाज के काम करने के लिए भी बना हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगता था माँ जब रिश्तेदारों में या पड़ोसियों में कुछ शादियाँ या फंक्शन होती थी तो तू हर फंक्शन अटेंड करती थी, लेकिन तेरे पास इतने सारे सोने नहीं थे, गहना नहीं था। तब दीदी और मैं बहुत रोया करते थे, दुख भी होता था हमें,
तो फिर तो बोलती थी सोने का कंगन नहीं, सोने जैसा दिल चाहिए। फिर मैं रोती रहती थी, मैं बोलती रहती थी माँ क्यों हमारे जीवन में इतना संघर्ष, क्यों पापा के जीवन में इतना संघर्ष, क्यों तेरे जीवन में इतना संघर्ष। तो फिर तो बोलती थी माँ सीता, माँ कुंती, सभ्या, द्रौपदी, इन लोगों के जीवन की कहानी तू हमें सुनाती थी। सच में ना हाई थिंकिंग और सिंपल लिविंग तूने साबित कर दी। तूने तो बताया पास रहकर कोई बार बार इंसल्ट करता रहे, प्यार ना बांटे उसे कई गुना ज्यादा अच्छा है दूर रहकर दुआ देना, प्यार में रहना। सारे ब्लेम को अपने ऊपर ले गई और हमसे दूर हो गई, सिर्फ तेरे बच्चे खुश में रहे, शांति में रहे। तेरी ये त्याग शायद कोई बिरला ही समझेगे, क्योंकि सबके पास तेरे जैसा दिल नहीं है ना। आज भी जब तुझे देखती हूँ तो तेरे अंदर वही चंचलता दिखती है माँ, जैसे पहले तू करती थी हम लोगों के लिए खाना बनाना, हमारे ड्रेस साफ करना वगैरह वगैरह, टिफिन देना, ये सब कुछ। आज 73 इयर्स में भी वही नजर आती है, वही 4 बजे उठना, चाय बनाना, नाश्ता बनाना और पापा के लिए नरम नरम खाना बनाना, थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाए फिर पापा से गाली सुनना, रात का खाना बनाना, किचन साफ रखना, फ्रिज साफ रखना, बाथरूम साफ रखना, घर का मंदिर साफ रखना, सब कुछ। मुझे तो लगता है तेरे सामने मैं ही बूढ़ी हो गई हूँ। माँ कैसे ये सब कुछ कर लेती है तू जानती है माँ, मैं कब कब प्राउड फील करती हूँ। जब मैं मामा के घर जाती हूँ ना तब वहाँ पर सब बोलते हैं तेरे माँ ना बहुत अच्छा कविता लिखती थी और उस वक्त पेपर में छपती थी, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। फिर जब दादाजी के वहाँ जाती हूँ तो सब बोलते हैं चाची, किसी का भाभी हो, किसी का चाची है तू, किसी का खुड़ी, वो सब कुछ बोलते हैं तुम्हारी माँ ना संस्कृत बहुत अच्छा पढ़ाती थी, तब मैं प्राउड फील करती हूँ। और अभी 73 इयर्स में भी जब स्वाधीनता दिवस पर, जब स्वतंत्रता दिवस पर तुझे स्पीच देने के लिए बुलाते हैं तब मैं प्राउड फील करती हूँ। जब आश्रम में स्टेज के ऊपर बैठकर तू अपना एक्सपीरियंस सुनाती है लोगों को, तो जो तालियां बजती है ना तब मैं प्राउड फील करती हूँ। सच में माँ तू महान है। आज गुरु दिवस पर तुझे कोटि 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 नमन, तेरे भक्ति को सलाम, तेरे शक्ति को सलाम करती हूँ, तेरे धैर्यता को सलाम करती हूँ, तेरे चुप्पी को सलाम करती हूँ, तेरे हौसले को सलाम करती हूँ। माँ तुझे कोटि कोटि नमन। ये एक बेटी की तरफ से हर उस माँ को प्रिबुट है, क्योंकि माँ ही हमारा पहला टीचर है।